क्लास 10th, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज 3.B का सेकेंड क्वेश्चन है। एलिमिनेशन मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड वाला इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करें, पहले इस फॉर्म में बना लें। तो इस फॉर्म में कैसे बनेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ तो ये हो जाएगा 2x, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे y के साथ तो ये हो जाएगा 3y, और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 6 इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 36, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट करेंगे तो इसको और डिटेल में बता सकते हैं। अब क्या करना है, किसी एक टर्म को इसमें से, टू टर्म है, थ्री टर्म्स तो थ्री हैं लेकिन टू वेरिएबल्स वाले हैं, तो जो वेरिएबल्स वाले टर्म हैं उन्हीं को हमको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए हम लोग चाहे तो एक्स वाले को कर सकते हैं या वाई वाले को कर सकते हैं, वाई वाले को ही कर लेते हैं, ठीक है। तो नीचे 3y है तो ऊपर कैसे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3y बने तो 3 मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर वाले में हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 3। यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो ये क्या हो जाएगा 3x, ये 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3y, इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9। नीचे वाले में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं, ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 36। अभी क्या है, ऑलरेडी साइन क्या है, चेंज है, तो चेंज है तो हम लोग चेंज करना नहीं है, तो क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग या ऑन ऐड या एडिंग पूरा लिख सकते हो। ऑन एडिंग का मतलब प्लस करना, तो जैसे ही प्लस का साइन लगाएंगे तो ये प्लस का कहने का मतलब है इससे भी प्लस, इसका भी साइन बदलेगा, इसका भी साइन बदलेगा, इसका भी साइन, क्योंकि प्लस 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 होता है। ये प्लस इस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो भी प्लस होगा, ये प्लस इस प्लस इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो भी प्लस, लेकिन वैसे ही माइनस रहता तो क्या होता, बदल जाते, लेकिन माइनस है नहीं, हमको बदलना है नहीं। अब 3 में से 3 को माइनस करना यानी कि 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, 3 - 3 = 0, तो इसीलिए हम लोग इसको काट देते हैं। अभी यहाँ क्या है, 3 2 कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू 36 में 9 को ऐड कर देंगे तो 6 9 क्या हो जाएगा, 15 5, और 3 1 4 45। अभी इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, 45/5, यानी कितना आ जाएगा, 5 9 = 45, एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 9। अब क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 9 पुट इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं, तो सेकेंड वाला हमारी इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 36। एक्स के जगह पे 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 9 प्लस 3y इक्वल टू 36। 2 × 9 मतलब 18 होगा प्लस 3y इक्वल टू 36। अब इधर ये प्लस है, साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी हो जाएगा 36 माइनस 18, 3y इक्वल टू 36 में से 18 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 36 माइनस 18, 18 टू जाए 36 होता है, यानी कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी 18/3, 3 से काटेंगे तो 3 के टेबल में कितने बार में, 6 बार में। इस तरीके से x की वैल्यू कितना आ गया था, 9, और y की वैल्यू 6, ठीक है। तो ये हमारा RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 3B का सेकेंड क्वेश्चन है।